અંકલેશ્વરના ગળખોલ વિસ્તારમાં આવેલ ગોકુલધામ રેસિડેન્સીમાં આવેલ મકાનોને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી ચાર મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। અંકલેશ્વરના ગળખોલ વિસ્તારમાં આવેલા ગોકુલધામ રેસિડેન્સીમાં રહેતા દીપકસિંહના ઘરે ગતરોજ પૂજાનો કાર્યક્રમ હતો, જે બાદ રાતે પરિવાર અને તેઓના સંબંધીઓ જમી પરવારીને સૂઈ ગયા હતા। તે દરમિયાન તસ્કરોએ તેઓના મકાનને નિશાન બનાવ્યું હતું અને અંદર રહેલ ચાર મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। મોબાઈલ ચોરી અંગે શહેર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। गोकुलधाम रेसिडेंसी में मेरा रूम नंबर मकान 67 है। मेरा कल गृह प्रवेश था, मैंने जो है पूजा रखी थी, तो सब कार्यधाम जो हमारा अच्छे से बीत गया था। तो रात को हम लोग सोए थे, उसके बाद हमारा टीवी खुला 4 बजे, तो देखा हूँ हमारा मोबाइल जो है, चार मोबाइल थी, चारों गायब थी, हमारी थी, हमारी मिसेज की थी और दो हमारे रिलेटिव आए थे उनका था, वो मोबाइल गायब थी। फिर हम लोग उठे 4 बजे के बाद, मोबाइल को ट्रेस करना चालू किया, माई फाइंड डिवाइस से चालू किया, तो मोबाइल जो है नवी नगर तक का लोकेशन बताया, लेकिन वहाँ 6:51 पे मेरी मोबाइल स्विच ऑफ, वहाँ लोकेशन बंद हो गया, तो फिर वो डिवाइस मतलब काम करना बंद कर दिया, नहीं हुआ। फिर हम लोग पुलिस चौकी में गए, वहाँ बोले कि जो है रसीद लेके आओ, फिर करते हैं, तो अभी रसीद हम लोग लेके जाएंगे। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारा जो है कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है, तो हमें मदद कर दिया जाए, हमारा फोन सर्च करने में मदद करिए।